आप देख रहे हैं MP7 न्यूज। सच तो सच है, हर खबर सत्यता पर आधारित। देखते रहिए MP7 न्यूज। रतलाम जिले में अवैध कॉलोनी मामले में 9 लोगों पर FIR दर्ज। मंदसौर के शामगढ़ कोर्ट में भी देखने को मिल सकती है कार्यवाही। देखिए मंदसौर जिले की विशेष बड़ी खबर। बिना प्लानिंग और बिना अनुमतियों के अवैध रूप से कॉलोनियां काटने के मामले में रतलाम जिले के ताल नगर में पुलिस ने एक पूर्व कांग्रेस पार्षद, भाजपा नेता के भाई समेत कुल 9 कॉलोनाइजरों पर FIR दर्ज की है। इनमें नागदा, आलोक और नामली के एक एक आरोपी भी हैं, जबकि बाकी ताल के हैं। इधर रतलाम नामली के बाद ताल में अवैध कॉलोनी मामले में केस दर्ज होने के बाद मंदसौर जिले के शामगढ़ गरोड़ के कॉलोनी माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। इसी कार्यवाही की सुपुगाहट के बीच शामगढ़ गरोड़ बस्तीतापुर के प्रॉपर्टी मार्केट में उथल पुथल मची है। अवैध कॉलोनियों में निवेश करने वाले टेंशन में हैं, वहीं जिन्होंने कॉलोनियां काट दी तथा अब तक बेचते आ रहे हैं उनमें कार्यवाही के डर का माहौल बन गया है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि मंदसौर कलेक्टर इसे लेकर सख्त है और विगत बुधवार को हुई बैठक में कलेक्टर गौतम सिंह ने गरोड़ व सीतामऊ SDM को अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। उनके निर्देश के बाद प्रशासन बिना डायवर्शन, बिना सक्षम अनुमति भूखंड बेचने वालों की कुंडलियां बना रहा है। यदि जांच के अंतर्गत मामला सही निकला तो जल्द अवैध कॉलोनियों के बिना डायवर्शन बनी सीमेंट, कॉन्क्रीट सड़कों व अन्य निर्माण पर बुलडोजर चलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खबरों की अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.mp7news.in पर। प्रज्ञा ब्यूटी पार्लर एंड जनरल स्टोर। हमारी सेवाएं जनरल आइटम, ब्लीच, फेशियल, थ्रेडिंग व मसाज कार्य व दुल्हन ज्वेलरी किराए से उपलब्ध है। एक बार आपके अपने संस्थान पर अवश्य पधारें। हमारे संपर्क नंबर 9131549575 9713183473। आत्री माता, तहसील मनासा, जिला नीमच, मध्य प्रदेश। प्रज्ञा ब्यूटी पार्लर एंड जनरल स्टोर।